बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर, आप लोग देख रहे हैं अहमद फैमिली टीवी। अपना ये हमने फ्लेम ऑन कर ली, अभी आपको दिखाते हैं हम बना क्या रहे हैं। ये हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, उसका ये मावा बनाया हम लोगों ने जी। अस्सलाम वालेकुम, ये बन गई एक टिक्की, ये भी भाई दूसरी टिक्की बना रहे हैं। ये देखें क्या क्लासिक टिक्की बनाई है इन्होंने, ये दो तैयार हो गई हैं, अभी तीसरी में आने लगे हैं। और ये मेरा ख्याल है तीसरी भी बन गई है। आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में, ऐसी टिक्कियाँ अगर आपने पहले कभी खाई हैं तो ठीक, अगर नहीं खाई तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आके बताएं, आपको पूरी रेसिपी देंगे इसकी हम। ठीक है दोस्तों, ये चौथी टिक्की बनने लगी है। और ये देखें ये चौथी टिक्की भी तैयार हो गई है, बस चार टिक्कियाँ रेडी हैं जी आपकी जी। ये हमने पैन रख दिया है, ये हमारी आलू की टिक्कियाँ हैं और अभी इनको फ्राई करेंगे। चलिए जनाब ऑयल डालें, ये भी ऑयल डालने लगे। ये आप लोगों ने इस पर ज़रूरत ले लेना है, जितना आप लोग डालना चाहो आप डाल सकते हो। अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अभी हम लोग अपनी टिक्कियाँ जो हैं इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। करें सर, वाह क्या कलर आया जी, माशाल्लाह कितना तेज है फ्लेम और कितना ही तेज इसका रंग है। ये देखें ऑयल उछल के बाहर आ गया, लेकिन कोई नहीं, अभी ये देखें इसको कलर आएगा इंशाल्लाह, तैयार हो जाएगा ये बेहतरीन। अब ये दूसरी टिक्की भी जो है रखने लगे हैं। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आपने इसको सिर्फ कलर आने तक आपने इसको पकाना है, क्योंकि आलू तो पहले ही उबले होते हैं तो आपने कलर आने तक पकाना है बस। चेक करें जी फ्रेंड्स, कितना क्लासिक कलर आया है। ये देखें, ये हमने दूसरा भी फ्लिप कर लिए, अब बस थोड़ा सा और कलर देंगे इसको। ये देखें जी, अभी ये बस तैयार होने वाले हैं, फिर आपको हम फाइनल टच दिखाते हैं। दोस्तों आपका आलू की टिक्की तैयार हो गई है, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।